हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा यहाँ पर सैमसंग का एंड्रॉयड पाए और वन यू आई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू वन यू आई टू और एंड्रॉयड टेन हाँ स्मूथनेस मतलब काफ़ी फ़ीचर्स के साथ में लोडेड है एंड एनिमेशंस अच्छे कर दिए हैं बट वो एक्चुअली में जो रियल लाइफ है वहाँ पर इस तरीके से काम भी करते हैं नहीं करते हैं और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा जैसे कि मैंने आपको बताया वन यू वन और एंड्रॉइड पाए काफ़ी कमाल का है और वो हकीकत में काफ़ी कमाल का है यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा सैमसंग ने अपने M20 और M30 के अंदर Android 10 ओ वन यू आई का अपडेट वॉल आउट कर दिया है काफ़ी टाइम पहले आई थिंक दिसंबर में कर दिया था मेड दिसंबर में एंड यहाँ पर सैमसंग की M सीरीज़ में मुझे लगता था कि शायद वो एक मिड रेंज स्मार्टफ़ोन है एक बजट स्मार्टफ़ोन है इस वजह शायद उसके अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है वन यू आई टू और एंड्रॉयड टेट मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल नहीं है एंड आप समझ गएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सैमसंग एम ट्वेंटी में मैंने लगभग दस दिन यूज़ करा उसको अपडेट आने के बाद में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इतना ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप होता है इतना ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप होता है हद से ज़्यादा कभी कभी टच रिस्पॉन्स ही नहीं करती है आप उसका कीपैड यूज़ करोगे उसमें टाइप नहीं कर सकते लगभग आपने टच करा कहीं पर तो दो सेकंड बाद में टच रिस्पॉन्स करेगी नोटिफिकेशन पैनल कम्प्लीटली लेग मारता है बहुत गंदा तरीके से यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सैमसंग ने जीरो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन करी है जीरो परसेंट करी है, जब बताया जा रहा था कि सैमसंग काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करेगा बिल्कुल भी नहीं करी है यहाँ पर जो इसका डार्क मोड है उसको टच करोगे ना छः से सात सेकेंड बाद में जो आपका ये डार्क मोड है वो इनेबल होगा कई बार जैसे आप नेट ऑन करके रखते हो एंड जो रैम है तीन जी की हमें यहाँ पर इसकी रैम देखने को मिलती है थर्टी टू जी स्टोरेज के साथ में तो उसमें से भाई लगभग दो से ढाई या दो सौ खाली देती है मतलब कम्प्लीट रैम फुल हो जाती है अगर एक आधी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में है तो अब ये प्रॉब्लम मुझे लगता था कि यार ये चलो बजट स्मार्टफोन है सैमसंग का मिड रेंज स्मार्टफोन है तो इसके साथ में हो रही है चलो कोई दिक्कत नहीं सैमसंग का जो फ्लैगशिप होते हैं वो बढ़िया वर्क करते होंगे तो यहाँ पर सैमसंग का नोट नाइन मैं पर्सनली प्राइमरी एडसेट यूज़ काफ़ी टाइम से लगभग तीन तीन चार या पाँच छः महीने से शायद ज़्यादा ही टाइम हो गया तो एंड्रॉइड पाए में काफ़ी कमाल का चलता था कोई परफॉर्मेंस में मुझे इश्यूज़ नहीं आए कुछ प्रॉब्लम नहीं आई कहीं पर लेक नहीं देखने को मिलता था बैटरी परफॉर्मेंस कमाल की थी हालांकि बैटरी बहुत ही ज़्यादा हैवी यूज़ करता था मैं जब भी उसकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा लगता था बट जब से एंड्रॉयड टेन आया है ना ही तो इसका बैटरी नहीं है बैटरी मतलब दो से ढाई घंटे का बैटरी स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है अगर मैं नेट के साथ में यूज़ करता हूँ उसमें अगर तीस मिनट की मैंने गेमिंग कर ली ना तो और कम हो जाएगा लगभग दो घंटे मान लीजिए आप दो घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा अगर मैंने तीस मिनट गेमिंग कर ली अस्सी से बीस परसेंट पाने में मैं अस्सी से बीस परसेंट करता हूँ डिस्चार्ज तो यहाँ पर मतलब गेमिंग चलो बैटरी मैं बैटरी का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ अगर मुझे परफॉर्मेंस मिल रही है तो बैटरी को चलो कोई बात नहीं दिन में तीन बार चार्ज कर लूँगा बट परफॉर्मेंस तो मिलनी चाहिए ना इतनी गंदी परफॉर्मेंस है सैमसंग के नोट नाइन की इतनी गंदी परफॉर्मेंस कर दी है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा और आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि कितना इश्यूज़ आ रहे हैं सैमसंग के नोट नाइन के अंदर कभी ऐप ड्रोवर में ऐप विजिबल नहीं होते इनविजिबल हो जाते हैं कभी कभी आपका जो डार्क मोड है मैं जैसे बताया एम ट्वेंटी में छः सात सेकंड लगता है तो इसमें कम लगता है इसमें तीन से चार सेकेंड लगते हैं इतना मोबाइल की वाट लगा दिया ना बिल्कुल ही मौत चोत कर डाल दिया है। अब मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है बिकॉज एंड्रॉयड पाए के अंदर सैमसंग एम ट्वेंटी बहुत ज़्यादा बेहतर चलता था मतलब आप ये समझ लीजिए वो फिफ्टी परसेंट डिवाइस स्लो कर दिया है अपडेट के थ्रू उसका इतना कंदा अपडेट आया है सैमसंग का नोट नाइन का मैं कहना चाहूँगा उसको पूरे की ही वाट है बट जो भी है क्योंकि बैटरी वगैरह की भी ऐसी तेज़ी करी है कैमरा की भी मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हैवी यूज़ कैमरा का बट कैमरा का मैं कुछ कह नहीं सकता तो यहाँ पर परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों ही चीज़ ए तेज़ी कर दी है अगर कोई रास्ता है मतलब इसको वापस एंड्रॉइड पाइप ले आने का तो वो है कि आपका डिवाइस फॉर्मेट होगा या पाँच सौ बारह जी बी इंटरनल स्टोरेज है और मैं अगर इसको फॉर्मेट करूंगा तो मैं इस डिवाइस को अपने पास रखने वाला हूं नहीं एंड मैंने इसका डाटा का बैकअप कराई यही एक वजह है जिस वजह मैं अपने सैमसंग नाट नाइन को सेल कर रहा हूँ एंड मुझे इस डिवाइस से इतनी ज़्यादा नफ़रत हुई है इतनी नफरत मुझे किसी भी स्मार्टफोन से नहीं हुई है बस एक ही चीज़ कहूँगा अगर सैमसंग इसको ऑप्टिमाइज़ कर देता है तो बेहतर है अदरवाइज़ सैमसंग अपडेट ना दे पहले हमें लेट अपडेट मिलते थे बट वो स्टेबल तो होते थे एटलीस्ट उन्हें सही तरीके से टेस्ट किया जाता था अब भी टेस्ट नहीं करते हैं जल्दी देते हैं बट बहुत गंदे अपडेट देते हैं मैं कहता हूँ थोड़ा लेट दे दो आपकी स्किन इतनी अच्छी नहीं है मतलब अच्छी है बट ऑप्टोमाइज़ इतनी अच्छी नहीं है आप इतना गंदा ऑप्टमाइज़ करके रखते हो ना कि पूरे डिवाइस की ऐसी तेजी कर देते हो तो प्लीज़ इस चीज़ पे गौर कीजिए एंड इस चीज़ को फिक्स कीजिए अपने पुराने स्मार्टफोन को अगर आप ढंग कर रखेंगे तभी आपका नेक्स्ट स्मार्टफोन बिकेगा अदरवाइज मैं खुद ये सोच रहा था कि मैं सैमसंग से स्विच कर लेता हूँ किसी और ब्रांड पे बिकॉज इसके साथ में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बट क्या कर सकते हैं मैं किसी और ब्रांड का स्मार्टफोन मेरे साथ चलता नहीं है इतना अच्छा मैंने अभी यूज़ करा हुआ है शाउमी का पोको फन ऑलमोस्ट डेढ़ साल हो गया आई थिंक उस डिवाइस को लॉन्च हुए एंड आज भी वो इतना अच्छा चलता है मैं आपको बता नहीं सकता मतलब परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है बैटरी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ नोट नाइन के कंपैरिजन में हालांकि दोनों में फोर फोर थाउजेंड मिली एम की बैटरी है नोट नाइन के कंपैरिजन में फोर्टी परसेंट उसका एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम है मतलब मैं उसको दिन में दो बार चार्ज करता जब मैं उसको यूज़ करता था एंड नोट नाइन को मैं चार बार चार्ज करता हूँ अब तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है बैटरी पे भी दोनों डिवाइसेस के तो यार इस चीज़ को इम्प्रूव करोगे यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है और सैमसंग का कोई ऐसा भी स्मार्टफोन है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए तो फिर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा सैमसंग का जो लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हाल फ़िलहाल के लिए यहाँ पर सैमसंग का एस टेन है नोट टेन है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है वहाँ पर वो बिल्कुल परफेक्टली स्मूथली वर्क कर रहे हैं सैमसंग का एस टेन प्लस मेरे ब्रदर पब है तो वो यूज़ करता है और वो मतलब अच्छा खासा यूज़ करता है उसमें गेमिंग भी करता है और सब कुछ करता है उसका काफ़ी स्मूथली चल रहा मैंने भी चला है और स्पीड टेस्ट के कम्पेरिज़न में थर्टी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू तो नोट नाइन अब है बिकॉज अपडेट के बाद में काफ़ी वाट लग गई डिवाइस की तो यहाँ पर इनको अपने पुराने स्मार्टफोन को अगर मेंटेन नहीं कर सकते तो मैं कहना चाहूँगा अपडेट रोक दें अपडेट ही ना दें अगर वो ठीक से नहीं दे सकते हैं सैमसंग एम ट्वेंटी के, के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम आई है एंड्रॉयड टेन अपडेट होने के बाद में एंड पता नहीं वो कब जा कर के फिक्स होंगी एंड मैं सोचता था कि सैमसंग जैसे मन मैक्स में एंड्रॉयड पाए क्यों नहीं आया थैंकफुली नहीं आया अच्छा है बिकॉज़ वो एंड्रॉयड ओरियो पे कम तो से कम ढंग का तो चलता है ना बिकॉज अगर उसके अंदर पाया जाता तो पता नहीं क्या होता मैं उस डिवाइस को शायद ही रखना पसंद करता मतलब भाई क्या कहूँ मैम अब आप ही बताओ अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कोई मेजर हो सब इंस्टॉल करने के बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे साथ में ये फर्स्ट टाइम हुई है पहले होती थी बट सैमसंग उसको बहुत जल्दी सोल्व करता था बट इस बार ऐसा लग रहा है कि सॉल्व ही नहीं कर रहा है वो उस चीज़ को देख ही नहीं रहा है एंड्रॉइड बीटा जो थर्ड बीटा था ना वो भी स्टेबल एंड्रॉयड टेन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव था मतलब वहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह कुछ ख़राब नहीं हुई थी एंड जब से स्टेबल आया स्टेबल नहीं है बहनचोद बेकार अपडेट है ये बीटा से भी लड़ो अपडेट है तो वाट लगा दी है खैर यही था इस वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सी इन मा नेक्स्ट वीडियो साइनिंग आउट